ये तस्वीरें हैं अंबाला शहर के नागरिक अस्पताल की, जहां पर्ची कटवाने के लिए भी आपको 2 घंटे तक लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा, और जब तक आपकी पर्ची कटेगी तब तक डॉक्टर अपनी सीट से उठ चुके होंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि अस्पताल में स्टाफ की भारी कमी है। अस्पताल में आने वाले लोगों की माने तो वो सुबह 10 बजे से लाइनों में लगे हुए हैं, लेकिन 12 बजे तक भी पर्ची कटने की उम्मीद उन्हें नहीं है, और अगर पर्ची कट भी जाती है तो डॉक्टर मिलेंगे या नहीं ये भी तय नहीं है। हम तो सुबह 10 बजे से खड़े हुए हैं, पर्ची का ही नंबर नहीं आया, इतना हाउसफुल हो रहा है। मतलब कितने कितने टाइम आपको यहाँ पे वेट करना पड़ता है? वेट तो यही करना पड़ेगा हमें, 12 बजे तक तो पर्ची का ही नंबर आएगा मुश्किल से, अब डॉक्टर का नंबर आना तो मुश्किल ही है। देखो 12 बजे तुम्हारी पर्ची कटेगी, ना हमें दवाई मिलेगी ना डॉक्टर मिलेगा। फिलहाल तो स्टाफ बढ़ाना चाहिए इन्हें, मेरी तो यही दरख्वास्त है मोदी साहब से, अगर देख रहे हैं तो, कि आप यहाँ पे स्टाफ बढ़ाओ और मरीजों को देखो, स्पेशल बुजुर्गों को देखो, बच्चों को देखो, जो बच्चे वाली बेचारे उनके बच्चे कितने तंग हो रहे हैं, कैसे खड़े हुए हैं। सर 10:45 खड़ा हूँ सर, नंबर ही रश ज़्यादा है, स्टाफ कम है, यहाँ मरीज़ बहुत ज़्यादा हैं सर, 4-4 घंटे लग जाते हैं, 2 बज जाएंगे यहाँ खड़े खड़े। ऐसा नहीं है कि आला अधिकारी इस बात से वाकिफ नहीं है, अधिकारी खुद इस बात की गवाही दे रहे हैं कि अस्पताल में न सिर्फ स्टाफ बल्कि डॉक्टर भी पूरे नहीं हैं। इतना ही नहीं, अस्पताल में बैठे अधिकारी ये भी बता रहे हैं कि इस बात से विभाग के उच्च अधिकारी भी वाकिफ हैं, और कई बार स्टाफ की कमी के बारे में उच्च अधिकारियों को भी अवगत करवाया जा चुका है। अधिकारी ये भी मानते हैं कि स्टाफ की कमी के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हाँ, एट प्रेजेंट हमारे पास स्टाफ की काफ़ी कमी है, हर डिपार्टमेंट में कमी है, डॉक्टर्स हैं, स्टाफ नर्सेज हैं, ऑफिस में है, सब जगह कमी है, जिसके लिए हमने कई बार अपने उच्च अधिकारियों को लिखा है, और अब मतलब उनकी तरफ से अश्योरेंस भी है कि जैसे भी होगा, जितनी जल्दी होगा, दे विल ट्राई एंड सॉर्ट इट आउट, उस चीज़ को कर देंगे। हाँ बिल्कुल, परेशानी का सामना करना पड़ता है, बिकॉज जहाँ पे भी कमी है, जहाँ स्टाफ की कमी होने से उतनी जल्दी वो काम नहीं हो पाते हैं जितना हम चाहते हैं। अगर हमारे पास ज़्यादा डॉक्टर्स होंगे या ज़्यादा स्टाफ नर्सेज होंगी तो हम ज़्यादा पेशेंट्स अटेंड कर पाएंगे, तो वो चीज़ की थोड़ी सी कमी हमारे पास ज़रूर है, पर जैसा उन्होंने कहा है कि फिर जल्दी से जल्दी हम उनको अवेलेबिलिटी कराने की कोशिश करें। तो स्टाफ की कमी को लेकर जहां अधिकारी ये मान रहे हैं कि अस्पतालों में डॉक्टर और स्टाफ कम है, तो वहीं दावा भी कर रहे हैं कि जल्द ही ये हालात सुधर जाएंगे, लेकिन देखने वाली बात यही होगी कि अस्पताल में आने वाले मरीजों को कब जाकर अच्छा इलाज मिल पाएगा और कब अस्पतालों में जो स्टाफ है उसकी कमी पूरी हो पाएगी।